हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एड्सॉर्प्शन एट द सॉलिड इंटरफेस के बारे में। इसमें हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे, उस डिटेल में बात करेंगे फ्रेंडलिज एड्सॉर्प्शन आइसोथर और लैंगमेयर एड्सॉर्प्शन आइसोथर के बारे में, और इस वीडियो में लास्ट में हम लोग बात करेंगे अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ द एड्सॉर्प्शन। मेरा नाम है डॉक्टर महंताप सिंह, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एड्सॉर्प्शन एट सॉलिड इंटरफेस के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो काफ़ी सारे सब्सटेंस हमारे हैं, जैसे कि डाइज, एल्कलॉइड, फैटी एसिड, ऑर्गेनिक एसिड और बेस। ये अगर होते हैं इंडक्शन, तो ये हमारी जो सॉलिड की सरफेस है उसके ऊपर कैपेबल होते हैं एड्सॉर्ब होने के लिए। ये हमारी सॉलिड की जो सरफेस है, ये हो सकती है एलमुना की या वो चारकोल की अगर सरफेस है, तो वहाँ पर ये आसानी से एड्सॉर्ब हो जाते हैं। The adsorption on the solid is a function of relative adsorption of the solute and the solvent. तो जो भी हमारा solute है और जो हमारा solvent है, उसकी वो relative adsorption क्या है उसके ऊपर ये चीज depend करती है। तो अगर हम principle की बात करें, किस principle से adsorption होता है, तो जो हमारा पहला principle है वो है Friendly's adsorption isotherm। हाँ, द फ्रेंड इज प्रपोज ए रिलेशन इन द फॉर्म ऑफ द मैथमेटिकल इक्वेशन। तो ये इक्वेशन क्या थी, W अपॉन m इजक्वल टू के पी की पावर 1 अपॉन n। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं W की, तो वो क्या है, मास ऑफ द गैस एड्सॉर्ब, मीन्स हमारी वो कितनी गैस जो है सॉलिड के ऊपर एड्सॉर्ब हुई। m क्या है, मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, मीन्स वो जो हमारा सॉलिड की सरफेस है उसका मास क्या है जिसके ऊपर एड्सॉर्प्शन हो रहा है। और अगर हम P की बात करते हैं, तो ये है प्रेशर, किस प्रेशर पे हम एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस को कर रहे हैं। और K और N कांस्टेंट होता है, और इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है ऑन द नेचर ऑफ द गैस एंड एड्सॉर्बेंट एंड ऑन द टेम्परेचर। तो जो भी हमारी गैस है उसके नेचर के ऊपर, और जो हमारा एड्सॉर्बेंट है सॉलिड की सरफेस है उसके नेचर के ऊपर, और किस टेम्परेचर पे हम प्रोसेस को कर रहे हैं उस ऊपर जो K और N की वैल्यू है वो डिपेंड करती है। तो अगर हम इस प्लेस पे W अपॉन M और P के अगेंस्ट एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो वहाँ पे एक हमें कर्व लाइन देखने को मिलती है। तो अगर हम इस इक्वेशन में दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, तो हमारी इक्वेशन हो जाती है लॉग W अपॉन M इजिकल टू लॉग K प्लस 1 अपॉन N लॉग P। तो इस प्लेस पे अगर हम बात करें, तो अगर हम log W अपॉन m और log P के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो वो एक स्ट्रेट लाइन होती है और उसका जो स्लोप है वो 1/n होता है। इसमें जो हमारा अगला आइसोथर्म है वो है वो लैंगमेयर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। 1916 में वो लैंगमेयर ने एक आइसोथर्म को डेराइव किया था, उसमें उन्होंने कुछ अजम्पशंस किए थे। तो पहला इसमें जो आपका अजम्पशंस है वो क्या है, द लेयर ऑफ ए गैस एड्सॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड एड्सॉर्बेंट इज 1 मॉलिक्यूल थिक। तो अगर हम इसको डायग्राम में देखें, तो जो हमारा सॉलिड है उसके ऊपर जो गैस एड्सॉर्ब हो रही है वो एक मॉलिक्यूल थिक होगी। उसके बाद वो दूसरा अजम्पशन इन्होंने क्या किया, द एड्सॉर्ब लेयर इज यूनिफॉर्म ऑल ओवर द एड्सॉर्बेंट। तो जो हमारा के ऊपर जो एड्सॉर्ब गैस है उसकी जो लेयर है वो यूनिफॉर्म होगी। और उसके बाद में क्या है, देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द एडजेसेंट एड्सॉर्ब मॉलिक्यूल। तो जो हमारे एड्सॉर्ब मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। तो इन अजम्पशंस को करते हुए उन्होंने एक इक्वेशन को डेराइव किया। तो इस कंडीशन में उन्होंने ये कहा कि जो हमारी एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि जो हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो स्ट्राइक करते हैं सॉलिड की सरफेस के ऊपर और उसके ऊपर एड्सॉर्ब हो जाते हैं। उसमें से जो एड्सॉर्ब हमारे मॉलिक्यूल हैं उसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स फिर से इवोपरेट होते हैं या वो डिसॉल्व हो जाते हैं, उसमें से जो है आप कह सकते हैं बाहर निकल जाते हैं। तो इस कंडीशन में एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होती है बिटवीन टू अपोजिंग प्रोसेस। तो ये जो दोनों अपोजिंग प्रोसेस है इनके बीच में एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम होती है। ये दोनों प्रोसेस कौन सी हैं, ये है एड्सॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन। तो इस कंडीशन में अगर हम बात करें, इफ थीटा इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल सरफेस कवर्ड बाय द एड्सॉर्ब मॉलिक्यूल, अगर जो हमारा थीटा है वो है हमारी जो हम कवर्ड सरफेस है वो अगर हमारी थीटा है, तो उस कंडीशन में जो हमारा फ्रैक्शन होगा वो नेकेड वो सरफेस का वो हो जाएगा 1 माइनस थीटा। तो इस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं
सो रेट ऑफ डिजॉर्प्शन आर डी इज प्रोपोर्शनल टू द कवर्ड एरिया। तो जो हमारा रेट ऑफ डिजॉर्प्शन है वो किस रेट से मॉलिक्यूल इवापोरेट हो रहे हैं वो डिपेंड करेगा थीटा के ऊपर, मींस कितना एरिया हमारा वो कवर्ड है। जो हल मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब है वही मॉलिक्यूल वो डिजॉल्व होंगे। तो इस कंडीशन में जो हमारी इक्वेशन हो जाएगी वो क्या है, वो देन आर डी इज इक्वल टू के डी थीटा। तो यहाँ पे जो हमारा के डी है इज द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ डिजॉर्प्शन। अब अगर हम बात करते हैं रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन के बारे में, तो इसको हम आर ए से इंडिकेट करते हैं और ये प्रोपोर्शनल होता है अवेलेबल ऑन नेकेड सरफेस और ये है 1 माइनस थीटा एंड द प्रेशर पी ऑफ द गैस। किस प्रेशर से हम गैस को ऊपर से अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आर ए इज इक्वल टू के ए 1 माइनस थीटा का होल प्लेट पी। तो इस कंडीशन में अगर हम के की बात करें तो ये अगेन रेट कांस्टेंट है ऑफ द एड्जॉर्प्शन प्रोसेस का। तो अगर हम इसको क्लियर करना चाहें तो जो हमारा वो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन है आर ए है वो प्रोपोर्शनल होता है, वो जितना हमारी जो सरफेस है वो नेकेड होगी उसी प्लेस पे ही एड्जॉर्प्शन होगा, तो इसीलिए ये इसके प्रोपोर्शनल होता है और इसको हम 1 माइनस थीटा से इंडिकेट करते हैं। और किस प्रेशर से हम गैस को अप्लाई कर रहे हैं पी के ऊपर भी ये डिपेंड करता है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रेट ऑफ डिजॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो यहाँ पे हम इक्वेशन को लिख सकते हैं वो के डी थीटा इज इक्वल टू के ए 1 माइनस थीटा पी। तो यहाँ पे अगर हम के ए को इसके अंदर लेके आते हैं, के ए और जो है हालांकि पी को इसके अंदर लेके आते हैं, तो यहाँ हम इक्वेशन को लिख सकते हैं के डी थीटा इज इक्वल टू के ए पी माइनस के ए पी थीटा, क्योंकि यहाँ पे हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये जो हमारा माइनस का साइन है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा के डी थीटा प्लस के ए पी थीटा इज इक्वल टू के ए पी। और यहाँ से अगर हम थीटा को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा के डी प्लस के ए पी इज इक्वल टू के ए पी। अब हम इसको नीचे की ओर लेके आते हैं तो हमारी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू के ए पी अपॉन के डी प्लस के ए पी। अब हम अगर वो राइट साइड में ऊपर और वो नीचे इसको जो है के डी से डिवाइड कर देते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारी इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी थीटा इज इक्वल टू के ए अपॉन हल के डी होल ब्रैकेट पी अपॉन वो के डी अपॉन हल के डी प्लस के ए अपॉन वो के डी पी। तो इस कंडीशन में अगर हम के ए अपॉन वो के डी को कैपिटल के से इंडिकेट करें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू के पी अपॉन 1 प्लस के पी। तो इस कंडीशन में जो हमारा के है वो एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है और इसको हम एड्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट कहते हैं। द अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब पर ग्राम ऑफ द एड्जॉर्बेंट एक्स इज प्रोपोर्शनल टू द थीटा। इतना अमाउंट हमारी जो गैस है वो एड्जॉर्ब होगी एक ग्राम एड्जॉर्बेंट के ऊपर अगर वो एक्स है तो वो प्रोपोर्शनल होता है थीटा के। तो इस कंडीशन में हम इक्वेशन को लिख सकते हैं एक्स इज प्रोपोर्शनल टू के पी अपॉन 1 प्लस के पी। और यहाँ पे अगर हम एक कांस्टेंट को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू के डैश के पी अपॉन 1 प्लस के पी। तो इस इक्वेशन को हम लैंगमेयर आइसोथर्म कहते हैं और ये एंड इट गिव्स ए रिलेशन बिटवीन अमाउंट ऑफ द गैस एड्जॉर्ब टू प्रेशर ऑफ द गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ये एक हमें वो रिलेशनशिप वो देता है वो बिटवीन द कितनी गैस एड्जॉर्ब हुई है और हमने कितना प्रेशर अप्लाई किया है एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। अब हम लोग बात कर लेते हैं अप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन के बारे में। तो इसका जो पहला अप्लीकेशन है एड्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजनस गैसेस एट सरफेस ऑफ द मास। तो आजकल हम लोग मास्क यूज करते हैं वो कोरोना के लिए, तो जो काफी सारे मास्क ऐसे होते हैं वो जो कि जो पॉइजनस गैसेस हैं उनको अपने ऊपर एड्जॉर्ब कर लेते हैं और उससे हमें सेफ रखते हैं। उसके बाद जो इसका अगला एप्लीकेशन है प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। तो अगर हमें हाई वैक्यूम क्रिएट करना है तो अगर हम अपने किसी सॉलिड के ऊपर गैस के मॉलिक्यूल को एड्जॉर्ब कर लेंगे तो क्या होगा कि वहां से जो हमारी गैस है वो रिमूव हो जाएगी और एक हाई वैक्यूम वहां पे क्रिएट हो जाएगा। इसका जो अगला एप्लीकेशन है रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम द
हाँ सोल्यूशन, तो अगर हमें अपने सोल्यूशन के अंदर से हम कलरिंग मैटर को बाहर निकालना है तो उसके लिए भी हम एडजॉर्प्शन के प्रिंसिपल को यूज करते हैं। हम वो प्रिवेंशन ऑफ द एडजॉर्प्शन ऑफ द मॉइस्चर इन द मेडिसिन बाई सिलिका जेल टू कंट्रोल ह्यूमिडिटी, तो अपनी जो हमारी मेडिसिन है उसके अंदर मॉइस्चर एडजॉर्ब ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम वहां पे यूज करते हैं सिलिका जेल, और ये वहां पे ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है। एडजॉर्प्शन ऑफ द कैटलिस्ट ऑन द रिएक्टेंट इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, तो वो काफी सारे वो कैटलिस्ट इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं, एडजॉर्प्शन के प्रिंसिपल पे काम करते हैं, और ये रिएक्शन के रेट को बढ़ाने में उपयोग में आते हैं। ओके फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।